हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे। तो ये जो न्यूज़ है वो LDC 587 पदों से रिलेटेड है। आपको पता है LDC 587 के जो अभ्यर्थी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उपेन यादव ने ये ट्वीट किया है, माननीय अशोक गहलोत जी ये बिल्कुल सत्य है कि अधिकारियों की लापरवाही से LDC भर्ती 2018 में 587 पद कम किए गए हैं और जिसकी वजह से कुछ नंबर से रह गए बेरोजगार अवसाद में है और आज अधिकारियों की गलती की सज़ा बेरोजगारों को मिल रही है और इनका भविष्य आपके हाथ में है। तो ये आप देख सकते हो कि जो उपेन यादव है उन्होंने भी इसका विरोध किया है जो आपकी गिरफ्तारी की गई है। उसके अलावा जो हीरा बोस ने भी ये आपके पोस्ट डाला था, जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस LDC भर्ती 2018 के 587 पदों को भरने के लिए होटल के बाहर धरना, पुलिस से झड़प हुई, गिरफ्तारी दी और 5 दिनों का टाइम दिया है, अगर 5 दिनों में काम नहीं होता तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो इन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, अगर 5 दिनों में काम नहीं हुआ तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके अलावा एक और पोस्ट इन्होंने लेटेस्ट किया है जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस से, सरकार को आज पता चला कि एक सीट की कीमत क्या होती है। LDC भर्ती 2018 के 587 पदों को भरने के लिए होटल के बाहर धरना, पुलिस से झड़प हुई, गिरफ्तारी दी और 5 दिन का टाइम दिया गया, अगर 5 दिन में काम नहीं होता तो फिर से बड़ा आंदोलन होगा। पूरे विधायक 5 सितारा होटल में थे और हम 45 डिग्री तापमान पर होटल के बाहर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। राजस्थान की सभी समस्त भर्तियों के संघर्ष करूँगा, जितना होगा उतना बस विश्वास रखो। ईरा बोस प्रदेश अध्यक्ष युवा हल्ला बोल राजस्थान। तो इन्होंने आपके बस 5 दिन का अल्टीमेट दिया है, 5 दिन के बाद इन्होंने खुली 5 दिन का अल्टीमेट है, 5 दिन के बाद ये खुली चेतावनी है कि आपका बहुत बड़ा आंदोलन होगा इससे रिलेटेड, 587 पदों से रिलेटेड। तो वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।